नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहित। प्रधानमंत्री शेख हसीना अभी भारत दौरे पर आई थी, जिसमें वो भारत के साथ द्विपक्षीय मसौदे पर हस्ताक्षर किए और कई अहम मुद्दों पर बात भी किए। भारत सरकार की आधिकारिक ऐलान की माने तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के 4 दिवसीय दौरे पर सोमवार को नई दिल्ली पहुंची। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आई थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दोनों देशों के बीच 7 समझौते हुए, जिसमें जल प्रबंधन, रेलवे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और सूचना प्रसारण क्षेत्र में ये बातचीत हुई। लेकिन इसी बीच एक वीडियो अब वायरल हो रहा है और लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं और तरह तरह से वो अपने विचार भी रख रहे हैं। पहले आप वीडियो देखिए। देख लिया आपने ये वीडियो। जानकारों की माने तो एशिया के लिए चीन सबसे बड़ा मसला है इस वक्त, क्योंकि चीन जमीन का इतना लालची हो चुका है कि वो किसी भी देश की सिर्फ और सिर्फ जमीन किसी भी तरीके से हड़पना चाहता है। ये तो आप जानते हैं कि बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में चीन की हरकत भारत की चिंता बढ़ा रही है। ये भी आप जानते हैं कि अभी हाल ही में चीन को लेकर एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया था और कहा था कि चीन के साथ हमारे संबंध सामान्य नहीं है। लेकिन भारत ने चीन को हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब दिया और देता आ भी रहा है। जानकारों की माने तो भारत चीन को जवाब देते हुए वैश्विक मुद्दों पर खूब अच्छी तरीके से उसे लताड़ भी रहा है। अब भारत की विदेश नीति और भारत का बोलबाला पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। जानकार इसका श्रेय मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मजबूत विदेश मंत्री एस जयशंकर को दे रहे हैं। हाल ही में जयशंकर ने अपने नेता मोदी की काफी तारीफ की थी और कहा था कि पीएम मोदी की रणनीति और वैश्विक सोच से भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप एक बार फिर से ये वीडियो देखिए। जानकार कह रहे हैं कि जब नेता ताकतवर हो तो वो अपने मातहतों को खुली छूट देता है और कहता है कि आप खुलकर खेलिए, जिसका नतीजा आपके सामने एस जयशंकर के रूप में है। ये तो आप जानते हैं कि जब मोदी पीएम बने तो जयशंकर अमेरिका में राजदूत थे, फिर उनको वापस लाकर सचिव बनाया गया, फिर रिटायर होने के बाद विदेश मंत्री बना दिया गया। और अब आप देख सकते हैं कि कैसे विदेश नीति काम कर रही है और कैसे भारत दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है।